हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल नीट लार्वल्स। बच्चों, आज के इस कॉमन डाउट ऑफ स्टूडेंट सीरीज में मैं डिस्कस करने वाला हूं दैट व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइट एंड लेफ्ट शिफ्ट ऑफ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। तो देखो बेटा, आप लोगों को पता ही होगा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व जो होता है, बेसिकली ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड होता है। अगर इस कर्व को या इस ग्राफ को अगर हम देखें तो y एक्सिस पर हमारे पास जो होता है वो होता है परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, और x एक्सिस पर हमारे पास प्रेजेंट होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अगर आपको इस ग्राफ को थोड़ा डिटेल में समझना है तो यहां पर मैं आई बटन में दूसरे वीडियो का लिंक डाल दूंगा, वहां से आप पूरी वीडियो को देख सकते हैं। यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको राइट और लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे। तो नॉर्मली ये जो ग्राफ होता है हमारे पास एस शेप्ड होता है। अब देखो क्या होता है हमारे पास, ये जो हमारे पास एस शेप्ड ग्राफ है, ये जो हमारे पास दिखाता है दिस इज द सैचुरेशन। इस सैचुरेशन को हम मान लेते हैं, लेट अस सपोज दिस इज 100% सैचुरेशन। तो इसका 50% अगर हम कैलकुलेट करें तो ये होगा हमारे पास 50% सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। और अगर यहां से हम नॉर्मल ग्राफ पर लाइन निकाले तो ये आएगा हमारे पास वैल्यू P50। P50 क्या होगा, वो पॉइंट जिसके ऊपर हमारे पास जो सैचुरेशन है वो कितना हो जाता है, 50% हो जाता है, उसको बोलते हैं P50। अब देखो ये ग्राफ दो शिफ्ट शो कर सकता है, वन इज राइट शिफ्ट एंड अदर इज लेफ्ट शिफ्ट। राइट शिफ्ट बेटा कहां पर होती है, इट अकर्स इन टिश्यूज, ये टिश्यूज के अंदर ही होती है। एंड इट रिप्रेजेंट्स द डिसोसिएशन, किस चीज का डिसोसिएशन, हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से डिसोसिएशन। अब देखो बेटा, आपको याद करने का तरीका, पहला पॉइंट जो आपको याद करना है कि टिश्यूज में ही होती है, उसके बाद सब आपको इजीली याद हो जाएगा। हमारे पास टिश्यूज के अंदर, टिश्यू को किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट। ऑक्सीजन टिश्यूज के पास कब जाएगी, जब वो हीमोग्लोबिन से ब्रेक डाउन करेगी। तो यहां पर क्या होता है, डिसोसिएशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। अब देखो कौन कौन से फैक्टर होते हैं, अगर हम देखें टिश्यूज के अंदर हमारे पास ऑक्सीजन का लेवल लो हो जाता है, सो लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राइट शिफ्ट। अब साथ के साथ जैसे ही ऑक्सीजन का लेवल लो होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो हाई लेवल ऑफ CO2। अब जैसे ही हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज होगा, CO2 जो है वो कंबाइन करती है किसके साथ, वॉटर के साथ, और बनाती है क्या, कार्बनिक एसिड H2CO3, जो कि डिसोसिएट हो जाता है किसके अंदर, H पॉजिटिव आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन HCO3 नेगेटिव। अब देखो जैसे ही हमारे पास H पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन होगा, pH क्या हो जाएगी, लो। सो हाई पॉजिटिव H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, जिसकी वजह से हमारे पास pH क्या हो जाती है, लो pH हो जाती है। अब देखो अगर टिश्यूज के अंदर फूड का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से वहां का टेम्परेचर हो जाता है हाई, सो हाई टेम्परेचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राइट शिफ्ट। देन जैसे ही हमारे पास फूड का ग्लाइकोलिसिस होता है, ऑक्सीडेशन होता है, तो वहां पर प्रोडक्शन होता है 2,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेड, जिसको 2,3-DGP भी बोला जाता है। तो जैसे जैसे ग्लाइकोलिसिस होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होगा, इसका लेवल बढ़ता जाएगा, सो हाई लेवल ऑफ 2,3-DGP ये भी राइट शिफ्ट करवाता है। फाइनली अगर हम राइट शिफ्ट में देखें तो अगर हम कैलकुलेट करते हैं P50, तो ये है 100% सैचुरेशन, तो 50% सैचुरेशन ऑलमोस्ट ये होने वाला है। यहां से अगर हम इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड करें और निकालें इस ब्लू लाइन के ऊपर, तो देखोगे P50 जो है वो इंक्रीज हो चुका है। सो P50 इंक्रीजेस ड्यूरिंग द राइट शिफ्ट। तो ये सारे जो फैक्टर होते हैं राइट शिफ्ट करवाते हैं। अब जस्ट इसके ऑपोजिट जो होगा वो क्या करवाएंगे, लेफ्ट शिफ्ट करवाने वाले हैं। तो यहां पर देखो हमारे पास ग्राफ जो शिफ्ट हो गया, कहां पर, लेफ्ट साइड में। अब हम बताते हैं लेफ्ट साइड जो होता है बेटा, ये देखो इट अकर्स इन एल्वियोलाई, ये बेसिकली एल्वियोलाई पर होता है। तो लोकेशन आपको पता चल गई। अब एल्वियोलाई में क्या होता है, ऑक्सीजन ज्यादा होती है, तो हीमोग्लोबिन जो है वो बाइंड करता है ऑक्सीजन के साथ, तो इन दोनों का क्या होगा, एसोसिएशन। सो लेफ्ट शिफ्ट रिप्रेजेंट दी एसोसिएशन। अब देखो एल्वियोलाई में कौन कौन से फैक्टर होते हैं, हाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन, लो लेवल ऑफ CO2। जैसे ही CO2 का लेवल कम होगा, ये रिएक्शन कम हो जाएगी, तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी। सो हमारे पास होगा लो H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, लो H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। अगर H पॉजिटिव कम हो जाएगा बेटा, तो हमारे पास हाई pH हो जाएगी, pH वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। और एल्वियोलाई के अंदर हमारे पास रेट ऑफ ऑक्सीडेशन या फूड का ऑक्सीडेशन बहुत कम होता है, तो क्या होगा, लो टेम्परेचर होगा, क्योंकि एनर्जी का प्रोडक्शन वहां पर कम होगा। अगर फूड का ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है तो लो 2,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेड, 2,3-DGP का लेवल लो होने वाला है, एंड P50 वैल्यू फाइनली डिक्रीज हो जाएगी। कैसे,
ये 100% सेचुरेशन, यहाँ पर 50%। अगर हम इस ग्राफ से लाइन को ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो P50 वैल्यू है वो कम हो चुकी है। सो वो वैल्यू ऑफ ऑक्सीजन जिसके ऊपर 50% सेचुरेशन था वो अब डिक्रीज हो चुका है। सो इन लेफ्ट शिफ्ट P50 वैल्यू डिक्रीजेस। तो ये सारे फैक्टर थे जो हमारे पास ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व को राइट शिफ्ट दे रहे हैं और लेफ्ट शिफ्ट दे रहे हैं। दैट्स इट स्टूडेंट्स, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।